ये पेशेंट हमारे पास आए डोर्सल न्यूरेक्टमी के लिए। देखिए, डोर्सल न्यूरेक्टमी ऐसी सर्जरी है जो पूरे इंडिया में हमने शुरू की, उसके वीडियो आपको सिर्फ हमारे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो एक किसी और सेंटर में गए दिल्ली में, और वहाँ पे जाके इन्होंने डोर्सल न्यूरेक्टमी की डिमांड की और उन्होंने उसको अवॉइड करने की कोशिश की क्योंकि करना नहीं आता आमतौर पर लोगों को। उसकी जगह सर्कमसीजन बेच देते हैं टाइमिंग के लिए। सर्कमसीजन से कोई फायदा नहीं होता टाइमिंग में अगर फिमोसिस नहीं है। तो इनको पेरोक्सेटिन एडवाइस की, पेरोक्सेटिन मतलब SSRI जो एंटी डिप्रेसेंट होती है, जो कि ऑलरेडी ये 10 साल से खा रहे थे, और फिलर डाल दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने पहले भी इस तरह का केस दिखाया था कि फिलर डालना हर किसी को बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सुपरफिशियल डाल दिया, सारे छोटे 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 ऐसे ब्लैब्स बन गए छाले टाइप के, और यूरिथ्रा के पास, पेशाब के रास्ते के पास डाल दिया, जिसने वो अंदर जाके फुला दिया और पेशाब के रास्ते में रुकावट क्रिएट कर दी। अब हमने इनकी डोर्सल न्यूरेक्टमी की है, 3 नर्व मेन नर्व निकाली है और एक छोटी सी नर्व निकाली है, और साथ साथ में इनको फिलर डाला है। ये सर्जरी अगर आप कराना चाहते हैं PME के लिए, यही सर्जरी सबसे कारगर है, साथ में फिलर भी कारगर है, लेकिन आप वहाँ कराएं जहाँ पे इसका प्रॉपर एक्सपीरियंस हो। पेशेंट को उसके बाद से UTI है, वहाँ पे हाइजीन अच्छा नहीं था, भीड़ भड़ा का बुरा हाल था, तो इस कारण से इनका ये एक्सपीरियंस रहा। अब हमने इनको डोर्सल न्यूरेक्टमी कर दी है, इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं, अपने घर आराम से वापस जा सकते हैं। रिस्पॉन्स 2 से 3 महीने में आएगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आएगा। 60% पेशेंट में इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है जब तक कि वो नर्व्स पूरी तरह से वो एरिया डिसेंसिटाइज ना आ जाए। टॉप के एरिया में डोर्सल न्यूरेक्टमी की है, बॉटम के एरिया में फिलर डाला है। अभी जो पुराना फिलर डाला हुआ है इनको, जिनके ब्लैब्स छाले बने हुए हैं, उनको हम नहीं निकाल रहे, होपफुली वो एब्जॉर्ब हो जाए, हालांकि बहुत कम चांस है। तो बाद में हमें हर जगह निडल प्रिक करके फिलर को ही बाहर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ठीक नहीं होगा। यूरेथ्रा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, मेरी उम्मीद है कि यूरेथ्रा के अंदर कम से कम जो मनी पेशाब के रास्ते में जो फिलर डाला है वो जरूर एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसको भी निकाल देंगे अगली बार में। तो आज के लिए यही था, दैट्स इट।